भाई लड़की का पता चल गया। सुनो, पहले प्रोड्यूसर के घर जाकर बिरयानी लेकर आना, उसके बाद डांस असिस्टेंट को पिकअप करना, समझे? अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आज टीवी पर कोई सीरियल नहीं आ रहा है क्या? देवा भाई, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तबीयत कैसी है आपकी? सब लोग जरा बाहर चले जाओ, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूं। तुम भी जाओ शंकर। भैया बोला ना जाओ। देवा, मौत मुझे सामने नजर आ रही है। पैसा कमाने के चक्कर में आज तक मैंने ना जाने कितना खून खराबा किया है। जिंदा रहने पर परछाई हमारे साथ चलती है, लेकिन मरने के बाद हमारे साथ जाते हैं हमारे पाप और हमारे पुण्य। तुम मेरी तरह कभी पाप मत कमाना, खासकर औरतों की बददुआओं से खुद को हमेशा बचा कर रखना। पार्वती से मेरे संबंध थे, लेकिन उसके बेटे काशी को कभी बेटे का दर्जा नहीं दिया, और आज उन्हें अनाथ छोड़कर जा रहा हूं मैं इस दुनिया से, इस जघन्य पाप का प्रायश्चित करने के लिए। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा काशी को देने का फैसला किया है। तुम भी मेरे इस फैसले को मानोगे तो मुझसे वादा करो। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? एक रखेल का बेटा और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ओहो, इतनी जल्दी चले जाएंगे सोचा नहीं था। वो खुद नहीं गए, उन्हें इसने भेजा। कोई बात नहीं, राजा की तरह जिए और राजा की तरह ही मरे। कुत्ते की मौत मरे हो। सुनो, हमारे जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें कब बाहर निकलवाना है ये हमें बता दो। मुझे लगता है कि यही सही समय है, बाकी जैसा आप सोचो। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, फिर बात करूँगा आपसे, चलता हूँ। वो औरत तुम्हारी छोटी माँ है और वो उसका बेटा। छोटी माँ। हाँ? छोटी माँ, ये मेरा भाई है, रात से ये मेरे साथ रहेगा और आप भी। भाई, तुम मेरे पिताजी के खून हो, किसी की गुलामी नहीं करोगे। आओ, पिताजी का आशीर्वाद ले लो। है तो ये आधी जायदाद का मालिक, लेकिन तू किसी की गुलामी नहीं करेगा कहकर इसे अपना। अरे रे, क्या बात है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये घर थोड़ी है, महल लग रहा है ये तो। क्या हुआ? कुत्तों से डर लगता है। अरे कुत्तों से क्या डरना, क्या करूं, बचपन से ऐसा हूं। हैं, यहाँ तो नोटों का ढेर लगा हुआ है। भाई आ रहे। भाई, ये सुंदर मूर्ति है, मेरा खास दोस्त, आपसे कुछ मदद चाहता है भाई। डरो मत, पहली मुलाकात में ही तुमसे खून का रिश्ता बन गया है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ।
मेरा नाम सुंदर मूर्ति है, बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो भी बिजनेस करता हूँ ना वो घाटे में चला जाता है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, पैसे की बात कर। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ उधार चाहिए। चाचा जी। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई विलन मिल ही जाता है। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, ये बात सिर्फ सुनी थी, आज देख भी लिया मैंने। आपके पैर अगर मेरे घर पे पड़े तो वो धार हो जाएगा। आप मेरे घर पे भोजन करने आएंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। ए, देवा तुम्हारे घर पर खाना खाने आएगा, बेकार की बात मत कर, दूर होके बात कर। रुकिए, प्यार से बुला रहा है, मैं जरूर आऊंगा। आप कौन है? अरे मेहमान से ऐसा नहीं पूछते, आइए आइए अंदर आइए ना, चल ना अंदर चल। मेरा बहुत छोटा सा घर है, आप आए तो भाग खुल गए मेरे। हे, क्या करिए, अंदर आना, बारिश में क्या रखा है, चल। इनका नाम देवा है और सब इन्हें देवा भाई बुलाते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनका बहुत नाम है, बहुत चलती है इनकी। ये मेरी बेटी शैलजा। नमस्ते करना, नमस्ते कर। बेटी जरा जाके चाय ले आना। मेरी बेटी के हाथों की बनी चाय पीजिए, अमृत समान है। ये बुढ़िया कहां से आ गई? ये तो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसको देख के मुझे भी टेंशन लग रही, कुछ करना पड़ेगा। अरे ये 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 मेरी सासू माँ है, लेकिन एकदम माँ समान है। ऐसी इज्जत देते हो इन्हें, बुढ़ापे में इनसे चाय दिलवा रहे हो? तुम्हारी बेटी भी ला सकती बेटी थी। मंदिर गई है, वो बाद में भी तो जा सकती थी ना? वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा? पुजारी, एक घंटे में मंदिर का पुजारी चला जाएगा। बात यह है कि वो काफी पूजा पाठ करती है। देवा, सुंदर मूर्ति मिलने आया है। आने को बोलिए। आ जाओ। अरे देवा भाई, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ, मुझे बचा लीजिए भाई, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, फूल की तरह दिखती है वो, फूल की तरह। देवा भी तेरी बेटी को फूल की तरह देखता है, तू शादी के लिए हाँ कर दे, ये तुझे 10 लाख रुपए देंगे और उससे तू अपने उधार चुका लेना। मेरी बेटी हीरोइन बनके करोड़ों कमा सकती है और ये 10 लाख देके मुझे टरकाने की सोच रहा है, इसका इस्तेमाल करके मैं अर्जुन को मरवा देता हूँ, इसे तुम्हें बाद में देख लूंगा। क्या सोच रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो पूछ रहा था कि ये 10 लाख है कहाँ पर। ये ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है, पैसे तो ले लिए मैंने पर बेटी नहीं मानी तो क्या होगा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए भाई, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को पहले से एक लड़का प्यार करता है। कौन है वो? नाम है अर्जुन। तुम ही बात कर लो ना। मैं इससे भला क्या बात करूंगा पागल। वो जो वहां बैठा ना वही अर्जुन है, मैं बात करके आता हूँ। देवा ने तुम्हें आने के लिए कहा था पर तुम नहीं आए, इसीलिए वो खुद आया है। चलो देवा भाई, आपके आदमियों को मैंने ही मारा था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इतना ही कहा था कि मैं बच्चे को घर पे छोड़ के देवा भाई से मिलने जाता हूँ, उन्होंने बच्चे पे हाथ उठाया और इसीलिए मैंने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। चाचा जी देखो बेटा, ये जो कह रहा है वो मान लो, उस लड़की को भूल जाओ। कौन सी लड़की? ए, क्या नाम है उसका? शैलजा। हाँ, शैलजा। शैलजा को, शैलजा को क्यों भूल जाओ? देवा उससे प्यार करता है इसलिए। ओ, देवा शैलू से प्यार करता है, पर क्या शैलू भी देवा से प्यार करती है? ए, देवा उससे प्यार करता है यही काफी है, शैलजा इससे प्यार करे ये जरूरी नहीं। हाँ, है जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेरी बात सुनो, देवा शैलू से प्यार करता है, मैं भी शैलू से प्यार करता हूँ, मगर शैलू मुझसे प्यार करती है। देखो इधर से बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, शैलू मेरा प्यार है, शैलू सिर्फ मेरी है।
दीवा, रहन दो। शैलो के लिए मैं 100 बार जान दे सकता हूं, क्या तू दे सकता है? तैयार है? तैयार है क्या? तैयार है क्या? Hey, रहने दो। क्यों देवा, क्यों कर रहे हो ये सब? भाई आप बोल कर देखो, जान से मार देंगे उसको हम। नहीं, तुम लोग उसे क्या मारोगे? वो खुद उसके लिए मरने को तैयार है, वो भी 100 बार। अब उसे मारो तो वो शैलजा की नजर में हीरो बन जाएगा, और मैं उसे हीरो बनने नहीं दूंगा। 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 देवा, तुमने एक ज्योतिषी को लाने के लिए कहा था ना? इस शहर का कोई भी ज्योतिषी आने से डरता है, इसीलिए बाहर से तुम्हारे लिए एक ज्योतिष लेकर आया हूं। तुम्हारी शादी के बारे में ये बिल्कुल सच सच बताएंगे, जरा भी झूठ नहीं बोलते हैं ये। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी सारी समस्या हल कर देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। सूर्य मंगल राहु बुध ये क्या कर रहे हैं ज्योतिषी जी? एक घंटे से बस अपनी उंगलियां हिलाते जा रहे हैं, कुछ तो बताइए अब आप। लड़के की शादी का कुछ पता चला? कुंडली में सूर्य बड़े ही खराब घर में बैठा है। जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली। ये अत्याचारी और पापी तो हैं, इनके कुंडली में सूर्य खराब घर में बैठा है, उसकी वजह से इनको जान का खतरा है। बिल्कुल सच बोल रहा है। इस समय इनकी शनि की 7.5 भी है, इनका विपरीत समय है। इनके पिताजी को इनकी तरफ से जान का खतरा है। खतरा? इसने तो उनका सफाया ही कर दिया है। इनका शनि भी भारी है, शुक्र भी साथ नहीं दे रहा है, गुरु भी अपने हाथों को पीछे खींच रहा है। जो भी काम करोगे ये बात कान खोल कर सुन लो, तुमको उसमें सफलता ही हाथ लगेगी। दूर से आकर तुमको कोई हरा देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तो और एक लड़की भी तुमको हरा सकती है, समझे? कहीं सच बोलते बोलते ये अपनी जान से हाथ न धो बैठे। सिर्फ मेरी शादी के बारे में पता? हाँ, उसी पर आ रहा हूँ। 7वां घर तो खाली है, 12वां घर भी खाली है, परिवार का योगी नहीं बन रहा है। तुम कभी शादी कर ही नहीं पाओगे। आखिरी बात, तुम्हारी कुंडली में शादी का योग नहीं है। 100 बात की एक बात, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है। ज्योतिषी जी, टाइम तो आपका सही नहीं है। क्या कर रहे हो? रहने दो। जिस हाथ में मेहंदी होनी चाहिए उस हाथ को खून से मत रंगो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं अभी कुछ करता भी हूं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे पिताजी ने मरने से पहले बोला था, कभी किसी औरत की बद्दुआ मत लेना, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमसे शादी जरूर करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर किससे शादी करोगी? वो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया उससे शादी करोगी? वो तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम उसे भूल जाओ। अच्छा होगा अपने दिल से मुझे निकाल दो अभी।
वही तो नहीं हो पा रहा, तुम्हें देखकर तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूं। अरे वाह शैलजा, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है। जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका वो तुम्हारे सामने झुक गया है। मैं अब और नहीं रुक सकता, मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है, कल तुम्हारी शादी है, उसे भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। देख रहे हो रामायण, सीता को पाने के लिए रावण ने क्या क्या किया, लेकिन वो उसे नहीं मिली। जाओ